सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ योगा वेलनेस पर। अच्छे सुंदर लंबे और काले घने बालों की चाहत किसे नहीं होती। आज हम ऐसा योगा अभ्यास करेंगे जो कि आपके बालों को मजबूत बनाएगा, उनको गिरने से रोकेगा और असमय सफेद होने से बचाएगा। बालों की जड़ें आपकी मजबूत होंगी, बाल पतले नहीं होंगे। बालों से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, अगर ये अभ्यास आप करते हैं तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बाल गिरने के कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण है जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है बाल गिरने की, बाल सफेद होने की, उसको आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं अच्छी आदतें अपना के, योग का अभ्यास करके। इसके अलावा न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है या आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो अपने खाने में प्रोटीन्स है, फाइबर है, उनको इंक्लूड करिए। क्योंकि प्रोटीन तो सबको पता है बालों के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन बालों की सेहत अगर आपको अच्छी रखनी है तो आपको अपना पाचन भी दुरुस्त रखना होगा। तो प्रॉपर एक बैलेंस्ड मील खाइए और स्ट्रेस को अपने से दूर रखिए, क्योंकि स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है जो कि आपको कोई भी बीमारी आपके अंदर पैदा कर सकता है। बालों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो जब आप योगा अभ्यास करते हैं, हम ऐसे योगा अभ्यास चुनेंगे जो कि आपके स्ट्रेस को कम करने में आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा नींद पूरी नहीं होना, समय से नहीं सोना या नींद अच्छे से नहीं आना, ये सब भी आपके बालों के गिरने का, असमय सफेद होने का या उनके पतले होने का, स्प्लिट एंड्स होने का कारण बन सकते हैं। तो हमें ऐसा योग अभ्यास करना है जो हमारे सर की तरफ, बालों की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ा दे, सर्कुलेशन को बढ़ा दे, जिससे जो बालों की जड़ें हैं उन्हें अच्छे से पोषण मिलेगा। जो भी आपने खाया पिया है वो न्यूट्रिएंट्स बालों की जड़ों तक पहुंचे और बाल अंदर से मजबूत बने। बाहर से प्रोडक्ट्स, ये लगा लिया, कंडीशनर लगा लिया, शैम्पू लगा लिया, इतना महंगा लगा लिया, ये सब लगाने से आपको 10% रिलीफ मिल सकता है, लेकिन जब तक वो आपके बाल अंदर से मजबूत नहीं होंगे तब तक आपकी समस्या खत्म नहीं होगी। तो देखते हैं कौन कौन से अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास है हमारा उत्तान आसन का अभ्यास, जिसे करने के लिए अपनी मैट पर खड़े हो जाएं। और क्या करना है, सांस लें एक लंबी गहरी और सांस छोड़ते हुए अपनी कमर को सीधा रखते हुए आगे की तरफ झुकना शुरू करें। अब अगर आपका शरीर यहीं तक झुकता है तो अपने हाथों को यहाँ टिका दें, यहाँ टिका दें, यहीं रुक जाएं। पैरों में इतना फासला रख ले या थोड़ा फासला और कर ले। अगर आप हैवी हैं या मोटे हैं तो पैरों में गैप बना ले। उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कमर सीधी रख के गोल नहीं करनी, इस तरीके से जाते हुए अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो अपने हाथों को मैट पर टिका दें, नहीं तो जहां आपकी शिन बोन पे आए, थाइज पे आए, उतना टिका के और इस पोजीशन में आप बने रहें, सांस लेते और छोड़ते रहें। ध्यान देने वाली बात है कि आप जितने भी आसन करेंगे आपको उनमें रुकना है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक आप आराम से रुके, तभी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है तभी आपके सिर के एरिया तक पहुंचेगा जब आप आसन में रुकेंगे। जब आसन में रुकेंगे तो सांस लेते और छोड़ते रहेंगे, हाथों को यहाँ रख ले, कैसे भी रख ले, जैसे आपको कंफर्टेबल लग जाए। जबरदस्ती नहीं करनी कि सिर को घुटने से मिलाना है या ये सब, जितनी शरीर अलाउ करता है उसी स्थिति में रुक जाए और लंबी गहरी सांसें लेते और छोड़ते रहे। ये आसन आपके पैरों को तो मजबूत करेगा और आपकी पेट की चर्बी को भी कम करने में मदद करता है और आपके जो पाचन क्रिया है उसे भी बेहतर करता है। और फिर सांस लेते हुए वापस आ जाए। ये आसन आपको 3 बार करना है और 1 से 2 मिनट हर बार होल्ड करें। अगर 3 मिनट एक बार में होल्ड किया तो 2 बार इस आसन को कर लें। दूसरा अभ्यास है हमारा अधोमुख स्वानासन का। कैसे करेंगे, वज्रासन में बैठे हुए हैं, अपने हाथों को आगे रख के इस तरीके से टेबल टॉप पोजीशन में आ गए और यहीं से अपने पंजों का सहारा लेते हुए
उठ जाएं सांस छोड़ते हुए और अपनी कमर को पीछे की तरफ ले जाएं, बॉडी को एडजस्ट कर लें, कमर सीधी रखें और इसी स्थिति में आप सामान्य सांसों के साथ सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट आप आराम से इस आसन में रुक सकते हैं। आज जितने भी आसन आप करेंगे बालों के साथ साथ आपके चेहरे के लिए काफी अच्छे हैं। आपकी जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी सारी ठीक होंगी, क्योंकि बालों के साथ साथ जो है हमारा फेस की तरफ भी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो चुका है। अगर थोड़ा पैर आगे पीछे करने हैं, अपनी पोजीशन एडजस्ट कर लें और सांस लेते और छोड़ते रहें। ये नहीं है कि एक आसन हमने किया ये सिर्फ आपके बालों के लिए लाभदायक है, बालों के लिए तो लाभ देगा ही देगा, बाकी आपको अन्य लाभ भी देता है। और फिर रिलीज करें, जिस तरीके से गए थे उसी तरीके से आए और वज्रासन में बैठ जाएं। इस आसन को भी आप 3 बार दोहराएं। अगर 3 मिनट रुके हैं तो 2 बार कर लें, नहीं तो 1 से 2 मिनट रुक के 3-3 बार आपको इसका अभ्यास करना है। ये सारे आसन आपकी चिंता तनाव दूर करने में आपकी मदद करेंगे, नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करेंगे, पाचन क्रिया को भी ठीक करेंगे, आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तीसरा आसन है हमारा नमन प्रणाम आसन। कैसे करेंगे? वज्रासन में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा पैरों के बीच में गैप कर ले और अपने हाथों को अपने सामने रख दे। इसके बाद थोड़ा सा हाथों को आगे ले जाए और अपने सिर को अपने शरीर के पास जितना रख सकते हैं उतना रख दे, पैर खोल दे कंधों की डिस्टेंस के बराबर और हाथों को अपने यहां रख दे। और इसी पोजीशन में आप सामान्य सांसें लेते और छोड़ते रहे जितनी देर आप रुक पाए, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट आप रुके रहें। ये आसन आपको शीर्षासन के जैसे लाभ देता है। अब जरूरी नहीं है कि शीर्षासन सभी कर पाए, हम सब जानते हैं कि शीर्षासन बालों के लिए काफी अच्छा है लेकिन उसको हर कोई नहीं कर पाता है। तो आप नमन प्रणाम आसन का अभ्यास करना शुरू कर दें और फिर होल्डिंग के बाद वापस आ जाएं और यहीं पर जाकर बालासन का इसके बाद अभ्यास कर लें। एकदम से सिर को ऊपर ना उठाएं, नमन प्रणाम आसन से डायरेक्टली बालासन में चले जाएं। नमन प्रणाम आसन का अभ्यास भी आपको 3 बार करना है, कम से कम 1 मिनट के होल्ड के साथ करें और मैक्सिमम 3 मिनट तक का होल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद बालासन में आप आराम से 2 से 3 मिनट तक रुके रहे, उसके बाद अपने सर को ऊपर करें। एक मुद्रा करेंगे आज जो बालों की ग्रोथ को लेकर काफी अच्छी है, बाल टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, पतले नहीं होंगे और बाल ऐसा में सफेद भी नहीं होंगे। सिर्फ बैठे बैठे ये मुद्रा आपको लगानी है। ये मुद्रा आपको अंदर से मजबूत बनाती है, पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, तो इसी तरीके से वो आपके बालों की ग्रोथ में भी लाभदायक है और स्किन के लिए भी वो नेचुरल ब्यूटी टॉनिक है, तो फेस और बाल दोनों के लिए काफी अच्छा है। कैसे करेंगे? किसी भी आरामदायक स्थिति में आप अपनी मैट पर या बेड पर, कहीं भी कुर्सी पर बैठ के आप इसको कर सकते हैं। कंडीशन है कि कमर और गर्दन आपको सीधी रखनी है। फिर क्या करेंगे? अपने हाथों को सामने लाए, जो आपकी रिंग फिंगर है और थंब है उनकी टिप को आपस में मिला दें, बाकी तीनों फिंगर सीधी रख दें और हथेलियां आसमान की तरफ करके अपने घुटनों पर रख दें, आंखें बंद कर लें और सामान्य सांसों के साथ इस मुद्रा का आप 15 मिनट का रोज अभ्यास करें। 15 मिनट का समय नहीं है तो 5-5-5 मिनट के 3 स्लॉट में आप इसको कभी भी कर सकते हैं। सामान्य सांसों के साथ करेंगे तो 3 आसन और 1 मुद्रा। अगर ये अभ्यास आप डेली करना शुरू कर देते हैं, और आंवला
आंवला हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, आंखों के लिए अमृत का काम करता है। अगर हो सके तो एक कच्चा आंवला खाएं, और वो आपको अवेलेबल नहीं है तो रात में सोने से पहले एक चम्मच आंवला पाउडर आप पानी के साथ खा सकते हैं। तो आंवले को इंक्लूड कर ले, अपना खाना पीना सही कर ले, नींद को सुधार ले, सोने का और उठने का टाइम फिक्स कर ले, और पौष्टिक खाना खाएं, और उसके साथ ये योगा अभ्यास करें, तो आपको बालों की समस्या तो कभी होगी ही नहीं, इसके अलावा भी आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा, आप दिन भर एनर्जेटिक और खुश महसूस करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके मेरे चैनल योगा वेलनेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे।